हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे नदी के किनारे बसे भारतीय शहर, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। और बच्चों, इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आपके ये 20 क्वेश्चन बच रहे थे, सोचा इन्हें भी करवा दूं, तो आज मैं इन क्वेश्चनों को ले आया। तो चलिए अब इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, शहर हमारे इधर हैं और इधर हम नदी लिखते चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, तिरुचिरापल्ली कावेरी, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इलाहाबाद। तो देखिए, इलाहाबाद कौन सी नदी के, इलाहाबाद देखिए गंगा, यमुना, वे सरस्वती। संगम इलाहाबाद शहर गंगा, यमुना व सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम बोलते हैं, तो तीनों का संगम है। तो इलाहाबाद कौन सी नदियों के किनारे बसा हुआ है, गंगा, यमुना व सरस्वती तीनों का संगम है। क्वेश्चन नंबर 3, गुवाहाटी। तो देखिए, गुवाहाटी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, जबलपुर। तो देखिए, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे बसा। क्वेश्चन नंबर 5, पणजी। तो देखिए, पणजी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, माडवी, माडवी, माडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर। तो देखिए, अजमेर कौन सी नदी के, लूनी, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है अजमेर। क्वेश्चन नंबर 7, हैदराबाद। तो देखिए, हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी, मूसी। क्वेश्चन नंबर 8, संभलपुर। तो देखिए, संभलपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी, महानदी के किनारे बसा हुआ है संभलपुर। क्वेश्चन नंबर 9, विजयवाड़ा। तो देखिए, विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, बद्रीनाथ। तो देखिए, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, अलकनंदा, अलकनंदा। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए, बरेली, बरेली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, बरेली, रामगंगा, रामगंगा। तो बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, उज्जैन। तो देखिए, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, छिपरा, छिपरा, छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन।
क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए पुणे, तो पुणे कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पुणे शहर। तो देखिए मुथा, मुथा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14 है लुधियाना, तो देखिए लुधियाना शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज। देखिए किसी किसी बुक में सतलज और किसी किसी बुक में सतलुज लिखा मिलता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 गाजीपुर, देखिए गाजीपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा, गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 16 जमशेदपुर, तो देखिए जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 17 श्रीरंगपट्टम, तो श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी। तो श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 सोकोवा घाट, तो देखिए सोकोवा घाट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, तो सोकोवा घाट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 19 ओरछा, तो देखिए ओरछा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा, बेतवा, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ओरछा। क्वेश्चन नंबर 20 फिरोजपुर, तो देखिए फिरोजपुर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज। सतलुज, तो फिरोजपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है, ओके।